छपरा राष्ट्रीय सेवा योजना जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व एनएसएस स्वयंसेवक एवं वर्तमान एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा छपरा शहर के नगरपालिका चौक पर विकसित भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर नारा लेखन प्रतियोगिता से झांकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जयप्रकाश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने नारा लिखकर किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने की युवाओं के कंधे पर है। यदि युवा अनुशासित होकर विनम्र बनकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो भारत को श्रेष्ठ एवं विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा एक झांकी भी दिखाई गई जिसमें भारत माता के रूप में बिना कुमारी हाथों में झंडा लिए लोगों से भारत को विकसित बनाने की अपील कर रही थी। उसके साथ ही साथ अन्य स्वयंसेवक हाथों में तख्ती लिए हुए विभिन्न नारों जैसे ईमानदार बने, विकसित भारत के लिए प्रयास करें, विनम्र बने आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। नारा लेखन प्रतियोगिता में मुख्य निर्णायक की भूमिका प्रोफेसर रेखा कुमारी एवं डॉक्टर राजू प्रसाद ने उपस्थित होकर सर्वश्रेष्ठ तारों को चयनित किया जिसमें प्रथम स्थान जगदम कॉलेज के गौरव गोस्वामी को, द्वितीय स्थान श्वेता कुमारी एवं तृतीय स्थान पर चांदनी कुमारी को प्राप्त हुआ। गौरव गोस्वामी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एवं लैंग्रेजियन तक पहुंच गए हैं, आगे भी जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे नारा लिखा। वहीं श्वेता कुमारी ने कुछ बदला है देश हमारा, कुछ बदलाव जारी है, विकसित हुए हैं लोग कई, अब हमारी बारी है नारा लिखा। कार्यक्रम में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विद्या वाचस्पति त्रिपाठी, वर्तमान एनएसएस समन्वयक प्रोफेसर हरीश चंद छपरा शहर में स्थित विश्वविद्यालय पीजी यूनिट जगदम महाविद्यालय, जयप्रकाश महिला महाविद्यालय गंगा सिंह महाविद्यालय, राम जयपाल महाविद्यालय, पृथ्वीचंद महाविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी के साथ साथ जगदम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार बैठा एवं अन्य शिक्षक तथा पदाधिकारी गण उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से राष्ट्रपति से सम्मानित कुमारी अनीशा मकेश्वर, पंडित प्रिंस कुमार, निधि कुमारी, अनु कुमारी, अंजलि कुमारी, बिना कुमारी, अनीशा कुमारी, कृष्णा कुमारी, प्रियंका कुमारी, मणि कुमार, प्रकाश कुमार, यश कुमार, आशीष कुमार सहित सैकड़ों एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित थे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। एनएसएस के पूर्व स्वयंसेवकों द्वारा विकसित भारत पे एक झांकी और साथ ही साथ नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने किया है। क्या होगा इसे, इसे लेखन पर मैसेज क्या जा रहा है? हम सभी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के नव नियुक्त माननीय कुलपति श्री परमेंद्र कुमार वाजपेयी सर आए थे और आज उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ युवाओं से आग्रह किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ऐसे कार्यक्रमों को करने की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। क्या नाम है? नगर पालिका चौक के पास में विकसित भारत के विषय पर एक नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके माध्यम से हम समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में वो कौन कौन सा कार्य करेंगे जिससे अपने भारत को बुलंदियों की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, भारत को विकसित बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक झांकी के रूप में हम लोगों ने यहाँ किया है, अनुशासित बने। अगर यहाँ पे हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो हम भारत को विकसित बना सकते हैं, विनम्र रह के भारत को विकसित बना सकते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा करके भारत को विकसित। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।